सुनील शेट्टी का बेटा आहान शेट्टी, जिसका बॉलीवुड में एंट्री होने वाला है नया फिल्म तरक के साथ। तरक तेलुगु फिल्म आर्क संदीप का रीमेक है। देखने वाला बात होंगे कि ये फिल्म रीमेक ही है या टोटल कॉपी पेस्ट है। आज के वीडियो में देखेंगे तरफ का कॉपी पेस्ट सीन और आर्यक संदेश से हटके व्यूअर्स को तरफ में नया क्या देखने को मिल सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस नया चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए नए नए कुछ ला सकूं। आर्यक संदेश को कार्तिकेय गुमुगंडा का दमदार एक्टिंग के लिए सराहा गया था। उसका फिटनेस, हाइट, लंबा बाल और दाढ़ी में एक अलग ही अंदाज था। दूसरी तरफ तरफ में सुनील शेट्टी का बेटा आहान शेट्टी का फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन हो सकता है। लगता है कि आहान फिल्म का रीमेक बनाने के चक्कर में अपना क्यूट लुक को आर्यक संदीप का कार्तिकेय जैसे ही टोटल कॉपी करने की ठान लिया। आहान का फिगर, हाइट, बाल सब कुछ कार्तिकेय का जैसे ही है, लेकिन आहान की आंखें तो अभी भी बच्चे जैसा क्यूट ही है। अभी आते हैं फिल्म की ट्रेलर में क्या क्या कॉपी पेस्ट दिखाई पड़ा। इसका पहले देख लेते हैं आर्यक संदीप से लिया गया ओरिजिनल सीन और तरफ का सीन एक साथ। अगर तरफ की मेन स्टोरी लाइन आर्यक संदीप ही है तो कहानी में आ सकता है भारी कंट्रोवर्सी, क्योंकि फिल्म का अगर हीरो आहान है तो ब्लेन है तारा सुतरिया यानी आहान का प्यार। फिल्म का कहानी एक लड़का का जो कि एक लड़की को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन लड़की लड़का को अपना फिजिकल हंगर मिटाने के लिए प्यार करने का नाटक करता है और बाद में पूरी तरह से धोखा देता है। शायद बॉलीवुड की इंडस्ट्री में पहली बार एक लड़की की डार्क सेप्टर को दिखाया जाएगा, तो कंट्रोवर्सी तो होना ही है, क्योंकि कुछ लोग तो जरूर सवाल उठाएगा कि आप लड़की को कैसे इतना बुरा दिखा सकते हो। ये तो फिल्म रिलीज होने की बात ही पता चलेगा, और इसलिए फिल्म का लड़की का कास्टिंग तारा सुतरिया को लिया गया जो दिखने में थोड़ा ट्रिपिकल है। कॉपी और पेस्ट के अलावा इस फिल्म में आपको खास बहुत सारा नया देखने को मिलेगा, जो कि यह फिल्म आर्यक संदीप से थोड़ा अलग फील ला सकता है। जैसे कि आहान और तारा की जबरदस्त रोमांस, जिसमें तारा शायद आहान को लीड करेंगे। इसका पार्ट प्रीतम की म्यूजिक जो होने वाला है दमदार। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। इसके बाद आहान का भारी एक्शन सीन्स और एक खास सीन मुझे अच्छा लगा, वो है राहुल दारुमन का सिनेमेटोग्राफी, जो कि आर्यक संदीप से इंस्पायर तो है, तभी भी राहुल दारुमन ने फिल्म को एक डार्क लुक देने की पूरी कोशिश की है। काफी बार कैरेक्टर को डार्क में रखा है और बैकग्राउंड में थोड़ा रोशनी, शायद हमारे अंदर में छुपा हुआ अंधेरा को दिखाने की कोशिश किया है। इसका अलावा जॉन स्टुअर्ट की बैकग्राउंड स्कोर, वो भी मुझे खतरनाक लगा, और जो थीम म्यूजिक आर्यक संदीप से इंस्पायर्ड धू 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 वो तो और खतरनाक। और एक बात, बाइक लवर्स को यह फिल्म शायद थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इस फिल्म में बाइक का ढेर सारा नया नया स्थान भी देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है ये फिल्म बिलो 35 की उम्र के लोगों यानी स्कूल कॉलेज की लड़का लड़की को ज़्यादा पसंद आएंगे। आज के लिए इतना ही, मैं और सारा नया नया रिव्यू लाते रहूँगा जो आपको अपना पसंद का फिल्म देखने में काफ़ी मददगार होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चोहू तुम्हारे सामने ही हूं। क्यों तोड़ा बे गुठली को? खुरक थी, मिटा ली।
जो दिख नहीं रहा है वो बताओ, जो आज तक दिल में रखा है वो बोलो। मुझे उस निशाना को जानना है जिसे कोई नहीं जानता। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मुंह नहीं खोलोगे तो पता कैसे चलेगा। मोहब्बत में यूं हद को पार किया। अच्छा हुआ तुमने बुला लिया, मैं तड़प रहा था तुमसे मिलने के लिए। क्यों? अपना इलाज करवाना था। और बीमारी क्या है? तुम किस मी? तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। डैडी मेरा स्टेज सिंगल नहीं रहा। दो बार मिला है तू उससे और शादी का मंडप भी सजा लिया। कौन सा लेवल क्लियर किया? सेक्स हो गया? मेरा बेटा हीरो था और वह हीरो ही रहेगा। क्या हुआ अगर वक्त ने उसे विलन बना दिया तो? मोहब्बत मजहब हो गई है मेरे लिए। अब हाथ जोड़ू या उठाऊ फर्क नहीं पड़ता। प्यार की धड़क बेटी ने सुनी थी, प्यार की तड़प बाप छेलेगा। तुमसे प्यार।